वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू क्वर्की व्लॉग। आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ व्लॉग करने वाली हूँ। आई एम गोना डू अ वीक इन माई लाइफ। मैं हमेशा आप लोगों को एक एक दिन करके दिखाती हूँ, सो आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग के क्वर्की की लाइफ में एक पूरा वीक कैसा जाता है आपको भी पता चले। माई लास्ट वीडियोज यू गाइज हैव बीन एंजॉइंग अ लॉट एंड आई थॉट के एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग ट्राई करने का टाइम आ गया है। सिंस आई हैव बीन प्लानिंग माई स्टूडियो क्वर्की HQ ट्रांसफॉर्मेशन, सो आज का दिन इज ऑल अबाउट दैट। मुझे अभी फटाफट नाश्ता करके निकलना है शॉप फॉर सम फर्नीचर एज वेल एज क्रिस्टल्स। आप लोगों को पता है आफ्टर मैक्लोर मेरे को क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। आई टॉक मोर अबाउट दैट लेटर। मुझे एक स्पेशल टेबल लेना है अलग से मेरे क्वर्की HQ में कॉर्नर बनाने के लिए, सो इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। आई हैव टू गेट रेडी बहुत जल्दी और जल्दी से नाश्ता करना है। आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस वीक इन माई लाइफ। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द ब्रेकी फॉर टुडे। दही के साथ दो स्टफ्ड रोटी पनीर वाली, ऊपर हल्का सा घी है, इट्स नॉट तली हुई, सो आई एम ईटिंग दिस। जस्ट रीच्ड लाजपत नगर अमर कॉलोनी। गाड़ी पार्क की है, वो गोना वॉक थोड़ा सा क्योंकि अंदर अंदर जाके लेंस होती हैं, सो चलते हैं। सो वी हैव रीच्ड पीतमपुरा। मैंने बहुत रिसर्च किया था कि दिल्ली में कहाँ लेजिट क्रिस्टल्स मिलेंगे, सो लेट्स एक्सप्लोर। रेकी क्रिस्टल प्रोडक्ट। दिस इज रोज क्वार्ट्ज। सारे हार्ट शेप में, डबल हार्ट शेप में हैं। इट्स फॉर सेल्फ लव एंड रिलेशनशिप्स। एमेथिस्ट, ये पायराइट है ना? हाँ जी। वो है सारे क्रिस्टल्स जो हेल्थ के लिए। माय मॉम इज गेटिंग दिस। हेलो यू गाइज, इट इज 4 days आफ्टर। मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। सेम डे जो आपने पहले फुटेज अभी देखी होगी ना, जिस दिन मैं शॉपिंग कर रही थी फर्नीचर एंड क्रिस्टल्स की, मैं अपने स्टूडियो गई एंड आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। जो डुप्लेक्स के अंदर, घर के अंदर से स्टेयर्स जाती हैं, ट्विस्टेड माई एंकल।
बहुत ज़्यादा स्प्रेन हो गया था, आई थिंक टेंडन टेयर हो गया था व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, बट इतना ज़्यादा मेजर नहीं था कि मुझे कास्ट लगाना पड़ता. सो आई टुक रेस्ट फॉर लाइक 3-4 डेज एंड एक्चुअली जस्ट रिमूव्ड माई गर्म पट्टी. मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई इस बीच में, बट नाउ आई एम फाइन. दिस इज माई आउटफिट. बहुत दिनों बाद पैर मैं ठीक से यूज़ कर पा रही हूँ. अभी भी ना मैं अगर इसको ऐसे ट्विस्ट करूँ इसकी एक्सेस पे ऐसे तो मुझे बहुत दर्द होता है, बट नॉर्मल चलने पे प्रेशर पड़ने पे इतना ज़्यादा मुझे दर्द नहीं हो रहा. आई एम वेयरिंग दिस पॉकेट वाली स्वेट शर्ट विद अ जॉगर सॉर्ट ऑफ थिंग बिकॉज आई हैव टू गो टू द मॉल विद ईशान. उसकी नियर फैमिली में वेडिंग आ रही है एंड ही वॉन्ट्स टू बाय सम क्लोथ्स, लाइक मान्यवर का कोई कुर्ता ले लेगा. सो मैं उसके साथ कुछ सिलेक्शन वगैरह कराने जा रही हूँ बिकॉज ही इज क्लूलेस. एंड उसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं अपने बाल कटा लूँ. ऑल्सो बाय द वे आज सुबह जैस्मिन आई थी, आई गॉट माई नेल्स चेंज्ड. मैंने एक बहुत ही सुंदर से रोजी ओम्ब्रे कराया जिसमें स्टार्स और मून्स वगैरह लगे हुए हैं. मैं एक इंसर्ट कर दूंगी क्लोजअप बिकॉज लाइक 4 डेज से आई वॉज जस्ट फीलिंग मिजरेबल अबाउट माई सेल्फ, सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल. तो सोचा आज के दिन क्योंकि चल पा रही हूँ ये करा लेती हूँ. मैं ड्रॉइंग रूम तक चल के गई. लास्ट 3 डेज स्पेसिफिकली लाइक टू गो टू द बाथरूम वॉज सो डिफिकल्ट, बट स्वेलिंग जैसे ही कम हुई थोड़ा आराम आ गया. साथ में मैं पेन किलर्स तो ले रही हूँ. तो या आज का यही प्लान है कि नेल्स चेंज करने के बाद ईशान की हेल्प करनी है मॉल जाके, एंड मे बी आंटी से, ईशान की मॉम से मैं हेयर कट करा लूँ, उनका पार्लर है. सो दिस इज वॉट माई हेयर लुक्स लाइक. टेक अ गुड लुक वन लास्ट टाइम. लॉन्ग हेयर क्वर्की. आई जस्ट आस्क आंटी उनका क्या ओपिनियन है मेरे फेस शेप के अकॉर्डिंग. सो लेट्स गो टू द मॉल. अभी ईशान मुझे पिक करने आ रहा है एंड आई टेक यू गाइस अलोंग. तुम गलत मत लेना, ये सारी एक गंदी लैंग्वेज इसकी है. चुप कर तुम. कौन से मॉल पैसिफिक जाना है तेरा मान्यवर का कुर्ता लेने? अभी कुछ वो नहीं है, मतलब पैसिफिक फोन पे तो तू मान्यवर बोल रहा था. ब्रांड कॉन्शियस है ये बंदा. नहीं, आई जस्ट वांट टू चेक एक बारी वहां पर क्या अवेलेबल है. द लोडिंग स्टफ इन द कार व्हाइल आई बिकेम अ स्टीम मोमो लिटरली. हाँ ये ठीक है यार, उल्टा अच्छा लग रहा है ब्लैक एंड ब्लू. प्लीज ईशान भैया, वैसे आपके कपड़े ऐसे होते बंदा अपना ब्याह करा ले जाके. बस इससे ज्यादा मैं मोटा हुआ तो मेरे को साइज नहीं मिला यहाँ पर ऑन द स्पॉट. ओके ठीक है यार. ये दिखाइए क्या लिया आपने. विद इन सेकंड शॉपिंग कहते हैं. ये क्या है? बनाना वॉलनट. दिस इज अमेजिंग यू गाइस. अगर आपको विंटर पेस्ट्रीज और ब्रेड्स पसंद है do have this, and this is regular chai, but this is yum. Haircut karwa. Hmm. यहाँ से trim. Hmm. यहाँ से trim. Hmm. ये पीछे आधी खोपड़ी. Okay. छोटा मगर जमा होता है वहाँ तक trim. और उसके ऊपर बाकी ये रख. बस. तुम चाहता है मैं मोहॉक रखूँ. क्या रखूँ? मोहॉक. और वो कौन आ गया? ऐसे ही होता है, साइड साइड से पीछे से नहीं होता और सिर में ऐसे लंबा सा जाता है. देख गर्मी नहीं लगेगी? अभी ठंड आ रही है ईशान. अच्छी लगेगी. मैं ये हुडीज और उन सब. देखो यार, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. तो तुम मेरा ये बनाना ब्रेड क्यों खा रहा है? ये मेरा है ईशान. तूने अपनी ये बोली थी. मैंने ये मेरा हमेशा का है ही. मतलब इफ आई से और नॉट, ये मेरा ही है. यू डोंट पे फॉर इट, दे विल नॉट गिव इट टू यू. तूने खाली ये बोला था. मैंने तो इसके लिए भी पे नहीं किया. आज तूने पे किया. छोटे कराने बड़े कराने? बड़े कैसे? वो दंगल दंगल में बोलते हैं ना, वो जब आता है काट दो यार बढ़ा सके यार. ओह गॉड, मेरे को वो याद आ गया. आमिर खान बना हुआ है ऐसे बाल काट. तू ये ख्याल ईशान के इलाके में आपका स्वागत है. इलाके तो ऐसे कर ही रहे, मैं एमएलए बैठा हूँ. It's
चलो शांत। हाँ हाँ बाय बाय। कैसा लग रहा है हेयर कट? बढ़िया। अरे ये पूरे फ्रेम के अंदर है। क्या? नहीं देख, यहाँ से यहाँ तक आ गया फ्रेम में। बेसिकली ईशान का वर्ड जो लास्ट टाइम करा था मैंने अपने बर्थडे ग्लो अप के टाइम पे, उसी का और शॉर्ट वर्जन है, और कुछ नहीं है। बट आई जस्ट रियली लव दिस। मैं आंटी से इस बार फिर पूछना भूल गई कि इसको बोलते हैं क्या इस हेयर कट को, जो आप करवाना चाहे वो। दिस इज कॉल्ड अ क्वर्की मिस हेयर कट। वॉशिंग पाउडर मैंने क्या ऐड क्यों कर रही हूं? वॉशिंग पाउडर मेरे बाल अभी वॉश हुआ ना, बड़ी खुश हो गई ऐसे ऑयली ऑयली से हो रही थी। आई फील गुड। ये क्या कर रहा है? बजट एंड द बाइट्स आर हियर। या बड़े सारे दे दिए। मैं तो स्टीम मोमो खा रही हूं भाई, बिकॉज़ आई एम हेल्थ कॉन्शियस। ये खा रहा है तले हुए शॉर्मा। अच्छा और कुछ? और कुछ क्या, सच हमेशा कड़वा होता है शान करना। नो क्रिस्पी होता है। क्रिस्पी होता है हाँ, तो तुम ही खाओ, हम अपने झूठे मोमोज के साथ ठीक है। मैं कह रहा हूँ मोमोज काफ़ी गर्म है, मैं शॉर्मा खा रही हूँ। हेलो यू गाइस, आज मैंने अलग जगह ट्राइपॉड सेट किया, बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट हमेशा मैं ज़मीन पे बैठी होती हूँ, इट लुक्स अ लिटिल वियर्ड। सो आई जस्ट टुक अ बाथ, मैंने बाल नहीं धोए क्योंकि कल ही हेयर वॉश एंड हेयर कट कराया था, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू फील बेटर क्योंकि कल पूरा दिन मैं बाहर थी। सो आई मीन माई बाथरूम विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर। बाय द वे, सो मैनी ऑफ यू गाइज गेव मी कॉम्प्लीमेंट्स कि उस शॉप से आप लोग भी बाथ में बाथरूम्स लाए, एंड दे वर अमेजिंग एंड गुड क्वालिटी। सो आई एम रियली एक्साइटेड दैट हम अब बाथरूम ट्विन्स हो चुके हैं। मैंने अभी अपना सारा स्किन केयर कम्प्लीट कर लिया, पुट ऑन सम SPF एंड आई फील गुड। आज स्टूडियो में जाना है, बहुत सारा काम करना है। मैं आज आपको अपना क्रिस्टल कॉर्नर दिखाने वाली हूँ, वो जो उस दिन हमने शॉपिंग की थी। आज हम गोना सेट इट अप एंड इट्स गोना बी सुपर एक्साइटिंग। बट लेट्स जस्ट finish this look with a new product that Mama Earth has sent me, and that is their new range of tinted lip balms. Isme 5 variants aaye hain, ye wale maine packed rakhe hain because the ones that I really liked were these, cherry wala and the cocoa one. Ye wala meri mummy use karti hai and I'm been particularly loving the cherry one. Finding the perfect lip balm jo aapke lips ko nourish kare as well as future dehydration se prevent kare, cracked lips se prevent kare, wo bahut hi zyada overwhelming ho jata hai, especially in winters. These not only moisturize and heal but they also give your lips a fresh tinted look. They're 100% natural and made से सर्टिफाइड लिप बाम्स, एंड वाई आई लाइक टू यूज देम डेली इज बिकॉज इनका लॉन्ग लास्टिंग पावर बहुत ज्यादा है, अप टू 12 आवर्स ये टिक जाते हैं मेरे लिप्स पे, एंड दैट इज आई रियली लाइक इट। एंड यू गाइस कैन सी इट गिव्स एन इंस्टेंट टिंट व्हिच आई रियली लाइक। I'm gonna apply it. By the way, these lip balms are also cruelty-free and vegan. सारे skin types पे suit भी करेगा, and इसमें ना natural oil infused है along with the tint. The hero ingredients of these tinted lip balms are vitamin E, coconut oil and shea butter. So आपके lips instantly nourish हो जाएंगे, and ये काफी सारे variant में आते हैं. I told you guys I'm using the cherry one, my mom is using the cocoa one, but they also sent me the rose tinted one, the vitamin C tinted one, and one of my favorite ranges, the Upton tinted one. Also क्योंकि मैं day to day life में इतना makeup नहीं करती हूँ, so I pair this with my color care kajal जो मामा अर्थ के थे, एंड दोनों से ही एक बिल्कुल नेचुरल इंडियन गर्ल एफर्टलेस मेकअप लुक बन जाता है जो आप लोग बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। आई एम आल्सो गोना स्वॉच दिस ताकि इसका टिंट आपको पता चल सके, दिस इज व्हाट द टिंट लुक्स लाइक, एंड आई थिंक दिस इज गोना सूट अ लॉट ऑफ पीपल। ये सारे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बनते हुए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सो दे हैव गुडनेस इनसाइड देम, बट दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन देयर प्रोडक्ट्स बट आल्सो इन द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। दे हैव अ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव गोइंग ऑन इन विच एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामा अर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस only they aim to plant 1 million trees by the year 2025. अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हो तो आप मामाअर्थ की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। They have their running app on iOS as well as Android. Links will be in the description box so you get early access to all the sales and discount offers. I would highly recommend these tinted lip balms for this weather as well as winters. काफी ज्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन और नरिशमेंट रहती है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड Aditi2021 ऑन मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट फॉर 20% ऑफ, एंड ये वाला कोड ऐप पे भी चलेगा। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल on Amazon, Flipkart as well as Nykaa without the code. Keep in mind ye code paid affiliate nahi hai, I do not get commission off of it, it is just for my Quirky Squad members. Forgot to tell you guys before starting aaj ka vlog portion, maine पूरा फेस अपना शेव किया था इस ब्राउन वाले से, एंड दिस इज लाइक अ फेस ट्रिमर ऐसे वाला,
मैंने आपको अपनी अमेजोन वाली वीडियो में दिखाया हुआ है एंड आई बीन यूजिंग दिस. द अदर डे जैस्मिन जब आई थी उनके साथ जो उनकी हेल्पर थी वो मुझसे पूछ रही थी कि फेस शेव कैसे करते हैं और रेजर क्या सही रहेगा. सो आई वॉज लाइक वो सब छोड़ो, ये वाला वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो एंड यू विल बी सॉर्टेड. कट्स वगैरह का बिल्कुल डर नहीं लगता है. सो मैंने अपना फेस ऐसे साफ किया ना आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा कूल फील कर रही हूँ. नाउ आई एम जस्ट गोना स्विच ऑन माई स्ट्रेटनर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट रेडी एंड उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद इन द क्वर्की हेडक्वार्टर्स. आई जस्ट गॉट हेयर इन क्वर्की हेडक्वार्टर्स एंड आई कांट शो यू गाइज मच. बट सिंस मैंने आप लोगों को कब से टूर बोला हुआ है, आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइस अ मिनी टूर लाइक अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो और हेडक्वार्टर्स जो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्लान कर रही हूँ. सो सबसे पहले तो अब सब मैक्रमे का डेकोर है जो मैं बाद में दिखाऊंगी, बट द मेन थिंग इज़ यहाँ पे मैंने वुडन स्टैंड सा टांगा हुआ है विच सेज कीज़ प्लीज़. तो यहाँ पे जितने भी मास्क और हमारे फ्लैट की चाबी होती है ना वो हम इधर ऐसे ईजीली आके टांग लेते हैं ताकि सब कुछ सुव्यवस्थित रहे और कुछ भी मिलना हो तो यहीं पे मिल जाए. लटकने वाली सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं जस्ट लाइक दिस. देन मैं पूरा आपको टेबल तो नहीं दिखाना चाहती बट दिस इज़ द परफ्यूम स्टैंड जो मैंने अपने हॉल होम डेकोर हॉल में दिखाया था. वो मेरे वैनिटी टेबल के यहाँ साइड में पड़ा रहता है एंड आई जस्ट फील लाइक दिस इज़ सो प्रिटी. दीज आर ऑल द क्रिस्टल्स दैट आई गॉट फ्रॉम मैक्लियोरगंज एंड द रेकी क्रिस्टल्स जो मैंने आपको व्लॉग के फर्स्ट पार्ट में दिखाया था. इसको मैं सेटअप करने वाली हूँ इस टेबल पे जो मैं स्पेशली लाई हूँ अमर कॉलोनी की फर्नीचर मार्केट से एंड दिस इज सच अ रस्टिक पीस लाइक आई लव इट. एंड वहाँ से मैं एक्चुअली दो चीज़ें लाई थी, एक ये टेबल और एक ये बहुत ही सुंदर सी बेल. बहुत ही विंटेज ऐसे रगेड सी है बट आई जस्ट रियली लाइक दिस वाइब क्योंकि मेरे पूरे स्टूडियो की वाइब ही ऐसी है. बट द कॉर्नर दैट आई वॉन्ट ट्रांसफॉर्म टूडे इज दिस वन राइट हेयर जो स्टेयर्स के एकदम साइड पे जाता है. आई रियली डोंट लाइक दिस ग्रे थीम क्योंकि बिल्कुल भी मैच नहीं करती बट आई रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट स्टेयर्स. माई डैड गेव मी एन आइडिया कि मैं पूरा यहाँ पे टांग के ना एक पर्दे लगा दूँ जस्ट लाइक दिस, बट दैट विल जस्ट क्लोज अप द स्पेस एंड बड़ा बड़ा नहीं लगेगा. सो आई एम नॉट श्योर इसके साथ क्या करूँ. इफ यू हैव एनी आइडियाज मुझे जरूर बताना. आज मैं इस पर फोकस कर रही हूँ एंड एज यू गाइस कैन सी आई हैव काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड दिस एरिया थोड़ा सा लाइक जस्ट वन बिट. यहाँ मैंने एक लाइट लगा दिया बिकॉज ये बिल्कुल डार्क कॉर्नर होता था तो यहाँ एक एलईडी लाइट है एंड यहाँ पे मैंने ये दो मिरर ऐसे पैरेलल से लगा दिए जो मैंने अमेजोन से लिए थे एंड मुझे ऐसे टाइप के झरोखे बहुत अच्छे लगते हैं. फर्स्ट आई थॉट कि मैं आप लोगों को स्टूडियो टूर में दिखाऊंगी बट इट्स गोना बी लेट. सो आई थिंक आई कैन रिवील जस्ट लाइक 5% ऑफ द हाउस टू यू गाइस. सो ये वाला सॉर्टेड है लाइक इस दीवार में. आई थिंक ये वाली जो बेल है वो मैं इधर टांग दूंगी साइड में. बट दिस कॉर्नर राइट हेयर आई रियली डोंट लाइक इट. एक तो इसकी जाली वैसे ब्लू पेंट हुआ पड़ा है, चलो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती. ये जो ऑरेंजिश वुड टाइप का पेंट यहाँ पे किया गया है मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि मेरे स्टूडियो की वाइब के साथ मैच करेगा. ऑफकोर्स यू कैन लाइक इट बट लाइक लुक एट द कलर डिफरेंस. सो मैंने ऐसे टाइप के टाइल्स मंगाया बिकॉज आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम उदयपुर. जब मैं वहाँ ट्रैवल कर रही थी वहाँ सिटी पैलेस में ऐसे टाइप के टाइल्स लगे हुए थे, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट ऐसे डिजाइन इस वाले वुड से मैच करेंगे. सो आई थॉट कि मैं इसको डबल टेप से यहाँ पे ऐसे चिपका दूँ बिकॉज आई रियरली ओपन इट, लाइक आई नेवर ओपन इट. इसको हम बंद ही रखेंगे एंड ऐसे ऐसे करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगी. आई रियली डोंट नो कि कितने इसमें टाइल्स हैं और कितने मैं आज मैनेज कर पाऊंगी बट लेट्स गेट इट. अपडेट यू गाइज, आई डिड व्हाट आई कुड डू. लाइक
जस्ट दिस बिट बिकॉज आई टोटली फॉरगॉट कि जो मैंने टाइल्स मंगाई थी, ये मैंने टेस्टर टाइल्स मंगाई थी, लाइक आई विल ट्राई वन डब्बा एंड आई विल सी के ठीक से होता है, सब कुछ चिपकता है कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर, आई डोंट नो हाउ टू डेकोरेट दीज थिंग्स. सो मैंने ये टेस्टर टाइल्स मंगाई थी एंड आई जस्ट चेकड ऑन अमेजोन, दिस इज इन स्टॉक, इट्स अवेलेबल. सो मैं इसके 3 डब्बे और मंगाने वाली हूँ, 3 या 4, ताकि ये पूरा मैं कवर कर सकूँ. होपफुली विल बी डिलीवर्ड इन लाइक 2-3 डेज. तो अगर आपको इसका फुल लुक देखना, आप इंस्टाग्राम पर देख लेना, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. The idea actually really worked. Like double tape बहुत ही strong थी. One thing that you have to keep in mind is that आप दोनों surfaces को अच्छे से साफ कर लो, तो उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो stick ठीक से नहीं होगा. But this looks super strong. I can see बहुत ही pretty लग रहा है and looks like a दरबारी vibe. यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाने वाली, but यहाँ एक पूरी string आएगी and ये छोटी सी इतनी सी खिड़की दिखेगी. And जब सारे tiles आ जाएंगे, मैं नीचे तक सब लगा दूंगी. But now let's work on the crystal table and clean this mess. मेरे पास बस ये 4 टाइल्स ही बची है एंड मेरी एक्चुअली डबल टेप भी पूरी ओवर हो गई, लाइक इतनी ही बची है मेरे घर में, आधी सी बची थी, मैं वही ले आई थी. सो हैव टू ऑर्डर दिस ऑल्सो. Okay guys, so this is what my crystal corner looks like. I feel like this looks so cute. जब ये पूरी wall ऐसे brown हो जाएगी ऐसे patterns में, तो ये बहुत अच्छी लगेगी. I know this is incomplete, तो मैंने यहाँ पे एक mirror रख दिया है. ये शायद मैं हटा दूँगी, पूरी wall ऐसे रहने दूँगी, so it'll look much cleaner. And side में मैंने थोड़ा सा ऐसे essentials का डब्बा सा बना दिया है, एक plant रख दिया है, and just ऊपर से नीचे तक ये मेरी bell, ये patterns and then these crystals give me such an amazing vibe. Like look at this. So this is what it looks like. By far my favorite is amethyst, citrine, rose quartz and blue apatite. This is what blue apatite looks like. We have some essentials जैसे कि अगरबत्ती, जो आपके सारे aura cleanse करता है crystals की, if you want to cleanse or recharge them. And I also have got these sage, बंधे हुए लीव्स, जो कि मैं जब जलाऊंगी तो यहाँ का पूरा ऑरा क्लियर हो जाएगा. सो इन सेज लीव्स को मैं इस डब्बी के अंदर रखना चाहती हूँ. या मेरे घर में यहाँ मंदिर नहीं है, सो मैं ये गणपति भी लाई थी जो लैब्राडोराइट के बने हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो येट अनदर क्रिस्टल. एंड दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल. आई एम नॉट दैट स्पिरिचुअल या फिर बहुत ज़्यादा पूजा करने वाली, बट आई लाइक हैविंग गणपति एट होम. So before ending this topic, I just really wanted to share with you guys my favorite crystals. The number one crystal that I love, love, love is rose quartz. This is what it looks like. This is a rose quartz heart and ये अलग अलग shapes में आता है, आपको shops में मिल जाएगा, but मुझे इतना अच्छा लगा. This is for self-love. ये आपका अपने साथ relationship अच्छा करता है. This is for confidence. This is for feeling good about yourself, self-esteem. And just touching it and feeling it, it just makes me feel lovely. And पता नहीं, मैं इसको अपने face के पास ऐसे रखती तो मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ. आई एम टॉकिंग लाइक अ कुकू पर्सन. इज समथिंग दैट आई रियली फाइंड प्रिटी एंड मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा कॉर्नर रखना. प्लस इसको देखते ही ना, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग इंटेंशन, लाइक वॉट दिस स्टोन स्टैंड फॉर. एंड जितनी भी बार आप इसको, स्टोन को, क्रिस्टल को देखोगे, तो आपको एकदम से लगेगा कि या आई एम प्रिटी, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम जस्ट अ गुड ह्यूमन बींग विद अ गुड हार्ट. सो या आई लव दिस वन सो मच. शूट करना था इसलिए मैंने नहीं कॉल किया, मेरा बस अभी शूट हुआ है, तो मैं तेरे को फोन करने वाली थी. मैं तेरे लिए रेडबुल लाई हूँ शुगर फ्री. यार तू बिरयानी क्यों लेते, देखो पता है मैं बिरयानी नहीं खाती. नहीं, मैं अपने लिए सब्वे मंगा रही हूँ, घर पे सांभर बना था, मेरा सब्वे खाने का मन है आज. मैं सैलड, मतलब तेरे को कौन सा चाहिए? BMT. ओके ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर रही हूँ, तू आ जा. ओके बाय. See guys here. And for the clumsy people, please sit on the stairs and have your lunch. मेरे और ईशान की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, वो तब से स्टेयर्स पे बैठ रहा है, बिकॉज इसने मेरा सोफा खराब कर दिया था. एंड ये जहाँ जाता है चटनी खराब कर देता, चटनी खराब हो जाती है, प्याज स्प्रिंकल हो जाता है, ये गिरा देता है खाना, ये क्लम्जी है. So I told him to, नहीं, I didn't tell you to sit on the stairs. This was your decision कि मैं सीढ़ियों पर ही बैठूंगा. So here he is and my sofa is safe. Hello.
चलो रवि टाइम फॉर सम पढ़ाई। यहाँ पे हम रवि के सारे नोटबुक्स और स्क्रैबल रखते हैं। रवि ओए रवि चलो पढ़ाई उठाओ, चलो निकालो खोलो अपना डब्बा। ही इज गॉन। तूने देख तूने सीधा नहीं किया ना आधे ब्लॉक्स को, इसलिए नहीं मिल रहा था को, सीधा करके रखना चाहिए था। He's trying to write Facebook. Very good. अब क्या लिखेगा, Instagram, WhatsApp या Tinder या YouTube, कौन सा लिखेगा? YouTube, okay. ढूंढो why. Back home and I'm gonna start editing the vlog that you're watching right now. But the last task left for today is to clean out my almirah. थोड़ा सा गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, तो अब आज ये क्लियर करने वाले हैं। हाँ मम्मी। From Tanvi. Ooh, wow. Received a gift from the Seoul Harbor. Wow. Oh my God. Some more new crystals. Tanvi sent this to me and आज ही मैं क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रही थी एंड आज ही मुझे न्यू क्रिस्टल्स मिल गए। इजंट दिस मैजिकल, लाइक प्लीज। सो शी सेंट मी दिस एमेथिस्ट रिंग। मैंने उनकी प्रोफाइल शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे लाइकिंग दिस एंड शी सेंट मी दिस। दिस इज जस्ट लाइक सो ब्यूटिफुल एंड प्रिटी। वाओ, दिस इज जस्ट एवरीथिंग माई ड्रीम्स आर मेड अप ऑफ। थैंक यू तन्वी, दिस लुक्स सो क्यूट। मेरी मम्मी को ऐसे सुई धागा शेप के इयर रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अंदर भी आई थिंक रोज क्वार्ट्स है। आई एम सो हैप्पी टू गेट माय न्यू क्रिस्टल्स। मतलब मैं क्रिस्टल्स अपनी लाइफ में बुला रही हूँ और मुझे मिल भी रही हैं। दिस इज द ट्रू मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड नाउ लेट्स क्लियर दिस अलमीरा। सो दिस इज ऑल द गर्मियों का कपड़ा, वो भी एक डिपार्टमेंट का। ये नीचे का भी पड़ा है। दिस इज ऑल सर्दी का, ये भी सर्दी की मेरी जैकेट्स हैं। ये मैंने थोड़ी निकलवा ली थी बिकॉज आई हैड टू गो टू मैक्लोडन ऑल एंड मैं बहुत सारा आज डिक्लटर करने वाली हूँ। लाइक अ लॉट ऑफ दीज आई एम गोना डोनेट और गिव इट टू समवन बिकॉज आई डोंट नीड इट एंड किसी और के काम आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। लुक व्हाट आई फाउंड यॉल, दिस इज अ सूट, सूट के ऊपर का जो होता है जिसमें ऐसे प्रिंट है फ्लोरल। ये मेरी नानी माँ का था, मैंने उनको बहुत बार ये पहने देखा था एंड ये मैंने संभाल के रखा है। व्हेन आई गॉट इट आफ्टर हर डेथ तो इसमें से ना उनकी ऐसे खुशबू सी आती थी, सो ये हमेशा मेरी अलमारी में रहता है। ये मेरे नाना जी की पोलो शर्ट्स वगैरह है जो पहन के वॉक जाया करते थे। सो ये दोनों चीज़ें हमेशा मेरी अलमीरा में रहती है एंड दिस इज़ फ्रॉम माई स्कूल का, पता नहीं क्या डे बोलते थे उसको, बट एक होता था ना जिसमें स्क्रिबल डे होता था जिसमें सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के बारे में कुछ लिखते थे। सो लास्ट डे ऑफ माय स्कूल, स्कूल की, और ये मेरे नानी नाना की चीज़ें हमेशा रहती हैं एंड आई एम नेवर डिक्लटरिंग दिस। गाइस आई नेवर न्यू कि इसमें ये जो ड्रॉर है, अभी मैंने इसको खोला, मेरे बहुत लाइक 4-5 साल पुराने फुटवेयर इसमें पड़े थे। सो इसमें से कुछ कुछ मैं डोनेट करने वाली हूँ। ये वाले बूट्स रखूँगी, ये वाली चप्पलें रखूँगी, 2-3 चीज़ रख रही हूँ, बाकी ये खाली हो जाएगा। सो आई एम थिंकिंग कि जो बेल्ट यहाँ टंगी रहती हैं वो सब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इनर वगैरह डाल दूंगी। ऑफकोर्स साफ करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी मिट्टी अभी। यहाँ पे बॉम्बर्स और जो पतली वाली जैकेट्स हैं वो है, यहाँ मेरे सारे निटवेयर जंपर्स हैं, देन नीचे नाइट सूट्स हैं और जो मेरी वुलन टाइप के लोअर्स होते हैं वो है। पहले मेरे यहाँ भरे होते थे एंड ओवरफ्लो हो रहे होते थे, मेरे ऊपर इतनी बार गिर चुके हैं, बट दिस लुक्स क्वाइट गुड। एंड जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया, ये वाली सारी चीज़ें आई एम गोना पैक एंड डोनेट मेरा स्टूडियो खुल के। सो ऑल ऑफ दिस एंड देन दिस इज़ गोइंग फॉर डोनेशन, और जो मेरे हाउस हेल्प आते हैं उनमें उनको उनके बच्चों को कुछ चाहिए हो, सो ऑल ऑफ दिस इज़ गोना गो। मैं पहले ऑफकोर्स इसको धुलवा के झाड़ के रख लूँगी एंड देन दे कैन पिक आउट व्हाट दे वांट। सो यू गाइस सॉ व्हाट द अलमीरा लुक्स लाइक। हमने यहाँ पे मेरा जो स्पेयर हैंगर था पुराना वाला, उस पर मेरी सारी पफर जैकेट्स टांग दी हैं। दिस इज़ व्हाट द लुक लाइक एंड साइड में हमने ये बैग्स टांग दिए हैं एंड आई थिंक ये मेरे यहाँ स्टूडियो में ही सबसे बेस्ट लग रहा है। हेलो, इट इज़ लेट एट नाइट, आई एम हैविंग माई, हाउ डू आई शो यू विदाउट स्पिलिंग इट,
हल्दी दूध रात का. आजकल मैंने नया चीज़ शुरू किया बिकॉज अब थोड़ी सर्दियाँ आने लगी हैं. इतनी सर्दी हुई नहीं है, घर में लगती है बट बाहर नहीं लगती. बट माई पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग दिस इज गुड बाय. आई एम गोइंग. आई फील लाइक आई हैव बीन व्लॉगिंग फॉर डेज. बीच में चार दिन का अंतराल आ गया, सॉरी पैर टूट गया था, बट आई एम फाइन नाउ एंड आई जस्ट फील गुड अबाउट द हेयर कट. दिस वॉज अ फील गुड व्लॉग. आई मेड माई सेल्फ फील गुड एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें डिक्लटर की. कल मैं मेकअप और स्किन केयर डिक्लटर करने वाली हूँ एंड आई जस्ट होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट टू कीप अप विद मी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.